हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने अब ये छोटा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसका टाइटल है परम पूज्य कबीर साहिब की अमृतवाणी। जैसा कि आपको विदित है, कबीर साहिब बहुत ही बड़े संत हुए हैं, जिनकी दोहे आप हिंदी की पुस्तकों में पढ़ते आए हो। उनकी बहुत ही एक अच्छी बात है जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। संतो शब्द ही शब्द बखाना, अर्थात संतों ने शब्दों के बारे में व्याख्यान दिया है। शब्द फास फसा सब कोई, शब्द नहीं पहचाना। संतों ने ये कहा है कि इस धरती के जितने भी जीव है शब्दों में फंसे हुए हैं, लेकिन शब्द का सार किसी ने नहीं पहचाना। प्रथम ही ब्रह्मा स्वयं इच्छा ते पांचों शब्द उचारा। कबीर साहब ने कहा है कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने पांच शब्दों को धरती पे उतारा। सोहंग निरंजन रंकार शक्ति और ओंकारा, ये पांच शब्द है सोहंग निरंजन रंकार शक्ति और ओंकारा। पांचों तत्व प्रकृति तीनों गुण उपजाया, इन पांचों शब्दों में ही पांचों तत्व मिले हुए हैं। लोक द्वीप चारों खाने 84 लख बनाया, और उसके बाद बनाने वाले ने अलग अलग लोक बनाए, द्वीप बनाए, 84 और योनिया बनाई। शब्दई काल कलंदर कहिए शब्दई भ्रम बुलाया, और ये भी कहा है कि शब्दों में ही काल का भेद छिपा हुआ है और भ्रम को आप मिटा दीजिए। पांच शब्द की आशा में सर्व से मूल गवाया, बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं कि इन पांच शब्दों के चक्कर में उन्होंने मूल खो दिया अपना, हकीकत क्या वो जान नहीं पाए। शब्द ही ब्रह्म प्रकाश मेट के बैठे मुंदे द्वारा, बहुत से लोगों ने तो इन पांच शब्दों पर ध्यान करके आंखें बंद कर ली और अंदर शब्दों से प्रकाशवान हो गए। शब्द ही निर्गुण शब्द ही सरगुण शब्द ही वेद पुकारा, ये शब्द निर्गुण भी है, शब्द सरगुण भी है, और शब्दों का उल्लेख वेदों में भी है। शुद्ध ब्रह्म काया के भीतर बैठ करे स्थाना, ये जो शुद्ध शब्द है ब्रह्म के वाक्य हैं, ये अपने स्थानों पे निवास कर रहे हैं। ज्ञानी योगी पंडित ओ सिद्ध शब्द में उड़ जाना, जितनी भी धरती के ज्ञानी योगी पंडित जो भी सिद्ध पुरुष हुए हैं इन शब्दों में उलझे हुए हैं। पांच ही शब्द पांच है मुद्रा काया बीच ठिकाना, पांच ही शब्द है और पांच ही मुद्रा है, और इन्हीं का भी अलग अलग स्थान पे ठिकाना है। जो जी अंशक आराधन करता सोती ही करत बखाना, जो बिना हिंसा के इनकी आराधना करता है शब्दों की, वो इनके बारे में बखान भी करता है। पहला शब्द है शब्द निरंजन चांचरी मुद्रा है ननन के माही, पहला शब्द जो निरंजन है वो अपनी आंखों के वाली जो मुद्रा है नैनों में है। ताको जाने गोरख योगी महातेज तप माही, जिसके बारे में सिद्धि प्राप्त की थी गोरखनाथ योगी जी ने। शब्द ओंकार भूतरी मुद्रा त्रिकुटी है स्थाना, दूसरा शब्द ओंकार है जो कि हमारी जो त्रिकुटी है मस्तिष्क में, उनके बीच में उनका स्थान है। व्यास देव ताई पहचाना चांद सूर्य ते ही जाना, वेदव्यास ऋषि ने इसको पहचाना था, वो चांद सूर्य है वो यहीं पाए जाते हैं। सोहंग शब्द गोचरी मुद्रा भवर गुफा स्थाना, जो सोहंग शब्द है वो अगोचर है और वो भवर गुफा में उसका स्थान है। सुखदेव मुनि ताई पहचाना सुनानत को काना,
आपने मुनि सुखदेव का नाम सुना होगा, उन्होंने इसके बारे में जानकारी हासिल की और इसको पहचाना। शब्द रंकार खेतरी मुद्रा दसवे द्वार ठिकाना, जो रंकार शब्द है वह उसका स्थान दसवा द्वार है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि लो रंकार पहचाना, ब्रह्मा विष्णु महेश है इन्होंने तीनों ने मिलकर रंकार शब्द को पहचाना। शक्ति शब्द ध्यान उन मुनि मुद्रा वैसे आकाश स्नेही, जो शक्ति शब्द है वो जो मुद्रा है वो आकाश में व्याप्त है। झिलमिल झिलमिल ज्योत दिखावे जाने जनक विदेही, ये अपने अपने स्थानों पे झिलमिल झिलमिल करके ज्योत दिखा रहे हैं और इसकी पहचान की थी शक्ति की जनक ने। जनक आपको पता है राजा जनक जो सीता के पिता समान थे, जनक राजा जनक को ही सीता माता मिली थी। पांच शब्द पांच है मुद्रा सो नीचे कर जाना, तो कबीर जी ने कहा ये पांच शब्द है, इनकी पांच अलग अलग मुद्राएं हैं, आप इनको जान लो। आगे पुरुष पुराण नी अक्षर तिनकी खबर न जाना, और इनके आगे एक नी अक्षर जिसका कोई शब्द नहीं है, पुरुष है जिसके बारे में हमें कोई खबर नहीं है। नौ नाथ चौरासी सिद्धिलो पांच शब्द में अटके, आजकल की जो दुनिया है नौ नाथ है चौरासी सिद्धि इन सब में अटके हुए हैं। मुद्रा साध रहे घट भीतर फिर ओंदे मकुल अटके, अलग अलग प्रकार की मुद्राओं के बारे में व्याख्यान कर रहे हैं और अलग अलग जगह वो बने ओंदे मकुल करके मुंह नीचे करके लटके हुए हैं। पांच शब्द पांच है मुद्रा लोक द्वीपियम जाला, ये पांच शब्द है पांच इनकी मुद्रा है, और यमराज भी कहते हैं कि इनको प्रकाशवान करो तो मेरा आप लोगों पर असर नहीं होगा। कहे कबीर अक्षर के आगे नी अक्षर का उजियाला, कबीर साहब कह रहे हैं कि यही वो पांच शब्द है जिनके आगे वो जो पुरुष है नी अक्षर उसका प्रकाश प्रकाशवान है। तो मेरे सभी साथियों को आज मैंने कबीर देव की अमृतवाणी सुनाई है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। जिस प्रकार से आपने और मेरे वीडियो ऑडियो आपने सब्सक्राइब किए हैं इसको भी आप करते रहिए। मैं छोटे वीडियो के तौर पर इस प्रकार की जो अभूतपूर्व जानकारी है वो आपसे शेयर करता रहूंगा। जय कबीर साहेब, जय कबीर साहेब, जय कबीर साहेब।